Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies. Okay, आज हमें क्या करना है? आज हम करेंगे exercise 3.3 और chapter का name क्या है? Playing with numbers. तो चलें start करें अपनी exercise. इस exercise के अंदर हमें क्या करना है? हमें टॉपिक्स जो कवर करने हैं, आज हम कवर करेंगे डिविजिबिलिटीज. ठीक है, टेस्ट हैं डिविजिबिलिटीज. पहले समझ लेते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होते क्या है. देखिए, इसका मतलब यह है कि कोई भी आपको कोई गिवन नंबर है और आपको बिना डिवाइड करे आपको ये चेक करना है कि ये नंबर इस फला नंबर से इस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. डिविजिबिलिटी मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, यानी उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो आपको टेस्ट का मतलब कि आपको शॉर्ट आपको फॉर्म में आपको वो दे रहा है. ठीक है, तो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा. तो हमारे पास जो हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं वो किन किन नंबर्स के लिए हैं? तो सबसे पहले हमारे पास 2 के लिए है. ठीक है, फिर 3 के लिए है, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10. इन सभी नंबर्स के लिए आपके पास टेस्ट हैं डिविजिबिलिटी के, जो आप अपने जो गिवन नंबर्स हैं उनमें आप देखेंगे. तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये देख लेते हैं कि करते क्या है. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चलिए अभी हम करते हैं फॉर 2. ठीक है, 2 से हमें करना है. तो 2 के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसकी जो लास्ट प्लेस वैल्यू मतलब कि जो लास्ट नंबर है उसका, वो उसके लिए आपका इवन नंबर होना चाहिए या लास्ट जो डिजिट है वो 2 के साथ डिवाइड होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं. कोई भी नंबर अगर आपके पास गिवन है जैसे 2, 5, 9, 6, 8, ठीक है, आपको पूरा नंबर डिवाइड करने के लिए नहीं कहेगा वो आपको टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो टेस्ट में क्या करेंगे कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो आपका इवन नंबर होना चाहिए. ठीक है, और इट इज डिविजिबल बाय 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए और लास्ट नंबर आपके लिए क्या होना चाहिए. जब आप 2 का टेस्ट देखेंगे तो आपके पास नंबर होना चाहिए 2, 4, 6, 8 और 0. ठीक है, अगर इनमें से कोई भी नंबर आपके गिवन नंबर के लास्ट नंबर अगर वो बन रहा है, गिवन नंबर का लास्ट नंबर बनता है, तो इसका मतलब जो आपका होल नंबर है वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज मेरे पास नंबर है 2, 5, 9, 6 और 9. ठीक है, अब यहाँ देखो लास्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 9. लेकिन 9 क्या है, टेबल में आता ही नहीं है 2 के, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, अगर आपके जो लास्ट वैल्यू है अगर 8 की जगह 2 होता इट इज डिविजिबल बाय 2, 4 होता तभी भी डिविजिबल हो जाता, 6 होता तभी भी, 8 होता है तभी भी, और 0 होता तभी भी हो जाता. ठीक है, तो ये है आपके पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर द 2. ठीक है, अब इसी तरह से हम देखेंगे फॉर 3. ठीक है, 3 नंबर के लिए देखेंगे. तो नंबर जब हम 3 नंबर के लिए देखते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है आप उन नंबर्स को ऐड कर दीजिए और उनका सम निकाल दीजिए. सपोज इसी नंबर को हम उठाते हैं, जैसे मैंने लिया 2, 5, 6, 3, ये नंबर मेरे पास है और मुझे इसके लिए टेस्ट देखना है कि 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ऐड ऑल द नंबर्स. ठीक है, 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, जो नंबर आपको गिवन है उनको ऐड कर दीजिए. ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ये कितना बनेगा, 2 एंड 5 7 7 एंड 3 10 एंड 6 16. तो जो आपका 16 आया सम, जो सम आएगा वो आपका मल्टीपल होना चाहिए 3 का. मल्टीपल का मतलब कि वो 3 के टेबल में आना चाहिए. जो आप ऐड कर रहे हैं, जो ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है अगर वो 3 के टेबल में आता है तो आपका ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड नहीं होने वाला है. अभी देखो यहाँ पर 16 आया है तो हम ये देखेंगे कि 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होने वाला है.
तो हाँ, यहाँ पे क्या रूल निकला कि जो आपके नंबर आपको जो गिवन है उसको आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आपका आंसर निकलने वाला है वो आपका मल्टीपल होना चाहिए, किसका? 3 का। ठीक है, ये आपकी टेस्टिंग थी 3 के लिए। अभी हम देखते हैं 4, 9 नंबर के लिए। 9 के लिए देखते हैं, 9 का भी एज इट इज़ है, पूरा सेम टू सेम है प्रोसीजर, जो 3 का है वही 99 के लिए है। तो इसी नंबर को जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, नंबर 20 2656, ये नंबर लिया मैंने, और मुझे चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर आपको गिवन होता है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 2 + 6 + 5 + 6 ऐड कर दीजिए, 2 + 6 8 8 + 6 14 14 + 5 = 19। तो जो आपका ऐड करने के बाद जो आंसर बन रहा है, सम जो है वो आपका मल्टीपल होना चाहिए किसका? 9 का। मतलब जो आंसर आया है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। अगर 9 के टेबल में आता है इट मीन्स कि पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर नहीं आता है इट मीन्स कि नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐड करने के बाद 19 आया, 19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये नंबर 9 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 9 नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं 4, 5। ठीक है, 5 नंबर के लिए चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन है और उसकी जो लास्ट प्लेस वैल्यू, लास्ट नंबर जो है, इधर 0 और 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो आपका नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं दो नंबर ले रही हूँ, मैंने लिया 2 6 5 6 5। ठीक है, यहाँ देखो इसका लास्ट नंबर 5 है और इसकी जगह हम लिख लें 2 0 0 3 0। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है? 0। तो या तो अगर आप 5 से डिवाइड करना चाहते हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपके ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको क्या देखना है कि लास्ट नंबर आपका या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब आपका जो आपका नंबर गिवन है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं 4, 10 नंबर के लिए। नंबर 10 के लिए क्या होता है, जब आप 10 का आप टेबल अगर रीड करेंगे तो आपका जो लास्ट जो प्लेस वैल्यू निकलती है टेबल में, वो लास्ट में 0 0 आता है। देखो 10 में 0, 20 में 0, 30 में 0। इट मीन्स कि जो आपका नंबर गिवन है अगर उसकी लास्ट वैल्यू 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली डिवाइड होगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने अभी आपको 2 के लिए, 3 के लिए, 9 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए बता दिया है। अब यहाँ मेरे पास रह गया है 4 and 8 and 6। अभी देख लेते हैं कि नंबर 4 और 8 और 6 का क्या टेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 4 के लिए बता रही हूँ। तो 4 के लिए क्या होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसकी लास्ट 2 जो डिजिट्स हैं, यानी कि जो लास्ट 2 प्लेसेस है, मतलब 1s और 10s प्लेसेस है, अगर वो 4 का मल्टीपल है इट मीन्स कि पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। एक नंबर चेक कर लेते हैं, जैसे 2 4 6 4, और यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं 0 4। ठीक है, ये नंबर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर आप लास्ट की 2 डिजिट्स देख लीजिए, लास्ट की 2 डिजिट क्या बन रही है? 0 और 4। क्या 0 और 4 आपके 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 4 1 4 होता है। इट मीन्स कि आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कि आप पूरा नंबर आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और अपना पूरा नंबर चेक कर रहे हैं कि मेरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप अपने जो आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि डिविजिबिलिटी रूल लिखिए, टेस्ट लिखिए, तो आपको डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका टेस्ट लिखना है कि होता क्या है इसमें। मुझे करना ही यही है कि मेरे को डिवाइड ना करना पड़े, मुझे बिना डिवाइड करे मेरा नंबर पता चल जाए ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली में यही करना है। देखो लास्ट के जो 4 जो अगर हम 4 का टेस्ट देखेंगे तो उसमें क्या करना है कि लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं वो आपके 4 के टेबल में आने चाहिए। अगर आते हैं तो पूरा का पूरा नंबर, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, वो डिवाइड हो जाएगा, नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है 8 के लिए होता है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो मैंने यहाँ लिखा 2 4 6 4 2। ठीक है, ये नंबर लिख दिया। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि लास्ट के 3 नंबर आपका 8 का मल्टीपल बनना चाहिए। 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर मल्टीपल होने चाहिए, 4 के टेबल में लास्ट के 2 नंबर आने चाहिए। और 8 के लिए क्या है कि 8 में लास्ट के 3 नंबर्स
8 के टेबल में आने चाहिए। तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये तीन नंबर डिवाइड करके देखने हैं। 8 से 642, क्या 8 से ये डिवाइड हो रहे हैं? 8 8 64 होते हैं, फिर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, फिर मेरे पास 2 आ गया, देन जीरो आ गया। तो यहाँ पर इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसकी जगह 2 की जगह मैं ये लिखती 2 4 6 4 8, ठीक है, तो यहाँ के तीन नंबर मैं डिवाइड करके देखूंगी, 6 4 8 इज डिवाइडेड बाय 8 8 8 64, ठीक है, और यहाँ से ये आ गया 8, तो 8 1 8, तो यहाँ मेरे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, ठीक है। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि जो लास्ट के तीन नंबर हैं वो मेरे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीपल है वो 8 का। इट मीन्स कि मेरा पूरा का पूरा नंबर, चाहे मैं इसके आगे जितने मर्जी नंबर आगे जोड़ दूँ, तो ये मेरे को टेस्ट करने की, डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको लास्ट के तीन नंबर उठाने हैं, डिवाइड करके देखना है, 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं, हमारे पास एक नंबर रह गया, दैट इज 6, तो हम 6 के लिए देख लेते हैं क्या टेस्ट है। तो 6 में यहाँ देखते हैं, फॉर नंबर 6। अब देखिए 6 के लिए एक्चुअली में कोई टेस्ट नहीं है, इसमें क्या है कि आपका जब हम 6 का फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास क्या फैक्टर बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 2 3 6 हो सकता है, और फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू 6, यही बनते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 6 की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 इंटू 3 की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग किसकी है, 2 की और 3 की। अगर कोई नंबर आपको गिवन है, ठीक है, और वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर आपका कम्प्लीटली 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 0 5 6 2, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 के लिए क्या टेस्टिंग थी कि आपका लास्ट जो डिजिट है वो 2 के टेबल में आना चाहिए, ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अभी 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 3 के लिए क्या था कि आपको सारे नंबर जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, और ऐड करके जो आंसर आएगा, जो सम आएगा, उसको देखना है कि वो 3 के टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 7 7 एंड 2 9 9 एंड 6, दैट इज 15, ठीक है। तो क्या 15 मेरा 3 से डिवाइड होता है, 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 3 5 15 होते हैं। तो देखो, अगर 2 से डिवाइड करके वो पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, और 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है मल्टीपल, तो आपको 6 से करके डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो नंबर गिवन है 2 0 5 6 2, ये मेरा 6 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। आपको किसी में भी टेबल, किसी जो भी आपकी टेस्टिंग है, उसमें कहीं पर भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो या तो 4 में या 8 में, वो भी लास्ट 4 में लास्ट 2 नंबर डिवाइड करके देखने, और 8 में लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड करके देखने। एक टेस्ट और है, वो है आपका नंबर 11 के लिए, तो वो भी जल्दी से देख लेते हैं क्या करना है 11 में। तो यहाँ आपके पास कोई भी नंबर आपको गिवन करा हुआ है उसने, कि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 3 5 8 9 7 2, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक टेस्ट है, और टेस्ट बहुत इजी है। और करना क्या होता है, यहाँ आपके पास नंबर्स हैं, आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का आपको क्या करना है, पहले आप ऑड प्लेसेस निकाल लीजिए। ऑड प्लेसेस का मतलब जो नंबर काउंटिंग, अपने नंबर के ऊपर काउंटिंग लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसको सर्कल कर दीजिए ताकि आपके नीचे और ऊपर वाले नंबर मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब ये आपकी प्लेसेस हैं, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4, ये 5 और ये 6। अच्छा, अब इसमें जो इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं, तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि ऑड नंबर होगा। तो जो भी आपके ऑड नंबर्स हैं पहले उसको लिख लीजिए, जो ऑड प्लेसेस पर हैं, ऑड नंबर्स नहीं, जो आपके ऑड प्लेसेस पर हैं, जैसे आपका नंबर 1 पर कौन है, 3 पर कौन है, 5 पर कौन है, ये आपकी ऑड प्लेसेस हैं। तो नंबर 1 पर मेरे पास कौन है, ऑड प्लेसेस, यहाँ लिखिए ऑड प्लेसेस,
ठीक है। अच्छा इस पे कौन है? यहाँ नंबर वन पे है 3, फिर नंबर 3 पर है 8 और नंबर 5 पर है 7, ठीक है। इसी तरह से जो इवन प्लेसेस है उनको लिख लीजिए। इवन प्लेसेस कौन सी है हमारे पास? दैट इज 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो ये मेरे पास है, सेकंड प्लेस पे कौन है? दैट इज 5, फोर्थ प्लेस पर दैट इज 9 एंड सिक्स प्लेस पर दैट इज 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आप ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस लिख लें तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स हैं और जो इवन प्लेसेस वाले नंबर्स हैं इनको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर जो ऑड नंबर वाले हैं इनको ऐड कीजिए, दैट इज 18, ठीक है। अब इवन प्लेस वाले नंबर्स को भी ऐड कर दीजिए, दैट इज 14 + 2, दैट इज 16, ठीक। जब आप दोनों नंबर्स, दोनों प्लेसेस के नंबर्स को ऐड कर लें तो आपको जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करके दिखाना है कि आपका जो नंबर है दोनों नंबर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जब हम इन दोनों नंबर को माइनस कर देंगे तो मेरे पास आएगा 2, मेरा जो आंसर बनेगा उसको अब चेक करना है कि आप वो 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये कैसे चेक करेंगे? इफ़ योर आंसर, जब आपने सब्ट्रैक्शन करा तो जो आपका आंसर आया वो आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए या कम्प्लीटली ज़ीरो आना चाहिए। डिवाइड कर माइनस करने के बाद दोनों प्लेसेस वाले नंबर को, तो आपका जो माइनस करके आंसर आना चाहिए या तो वो ज़ीरो होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मीन्स 11 के टेबल में जो नंबर आते हैं 11, 22, 33, ठीक है। अभी यहाँ देखो मेरे पास क्या आया है, नंबर 2 आया है, तो 2 मेरा मल्टीपल नहीं है 11 का, 2 11 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स कि जो आपका नंबर है 3, 5, 8, 9, 7, 2 ये डिवाइड नहीं होगा 11 के साथ, ठीक है। तो ये थी आपकी टेस्टिंग नंबर्स की। अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और जैसे जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी।